हेलो दोस्तों, आज आप सब कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस लोन्स की। आप कितने ऐसे बिजनेसेस को जानते हैं जो बिना बिजनेस लोन लिए, बिना किसी बैंक से फाइनेंस लिए, बिना कहीं से वित्तीय मदद लिए सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस आपको आसपास में नजर आएंगे जो बिना बैंक से बिजनेस लोन लिए हुए सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी बिजनेसमैन के पास आइडियाज बहुत बड़े होते हैं, पर उन आइडियाज को धरातल पर सच साबित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसों की जरूरत होती है। अक्सर इन पैसों की जरूरत को सही तरीके से बैंक्स ही पूरा कर पाते हैं। तो हमने ये बिजनेस लोन्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसके 5 वीडियोस हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस देखें, जिससे आपको बिजनेस लोन्स की बेसिक जरूरतों के बारे में पता चलेगा, बैंक्स को कैसे अप्रोच किया जाए, किन किन पेपर्स के साथ अप्रोच किया जाए, ये सारी जानकारी हम बिजनेस लोन की सीरीज में दे रहे हैं। ये वीडियो उन सभी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन के काम आएगा जो या कि अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन यंग बैंकर्स के काम भी आएगा जो बैंक्स में जॉब करने का सपना देख रहे हैं या बैंक्स में जॉब कर रहे हैं और लोन्स का पोर्टफोलियो, लोन्स का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के भी बहुत काम आएगा जो कि बैंक्स की वर्किंग को समझना चाहते हैं, और उन सभी लोगों के काम आएगा जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आदि और स्वागत है आपका बिजनेस लोन सीरीज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, लोन एप्लीकेशन के बारे में, और बात करेंगे बहुत चीजों के बारे में। तो कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में। अक्सर जब बैंक में जाते हैं और हम किसी लोन के बारे में इंक्वायरी करते हैं, लोन के बारे में पूछते हैं, तो अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपके पीछे के लोन्स, आपके पास लोन्स कैसे चल रहे हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें जो टूल्स बैंकर्स के हाथ में है और हमारे हाथ में भी है एज बिजनेसमैन, वो है सिबिल, एक्सपीरियन और क्रिप। हाँ फ्रेंड्स, ये तीन ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये तीन ऐसे टूल्स हैं जिनसे कि बैंक्स आमतौर पर क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। इन्हीं से उनको पता चलता है कि किसी बिजनेसमैन की या किसी लोन के एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर क्या है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, उसके पीछे के लोन्स कैसे चलेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक क्रेडिट रिपोर्ट इन सभी वेबसाइट से आप खुद अपनी जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत हम अपने क्रेडिट रिपोर्ट खुद इन वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं, हर साल में एक बार बिल्कुल फ्री। जब हम वो क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने जाते हैं तो हमें इन वेबसाइट पे अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होता है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होता है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं, और उसके बाद वो क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें हमें अपने पास्ट लोन्स, अपने पिछले लिए हुए सभी लोन्स की हिस्ट्री पता चलती है, वो किस बैंक से लिए गए, उनका अकाउंट नंबर क्या था, वो कब लिए गए, कब वो लोन खत्म हुए, अगर वो खत्म हो गए हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वो किस पर्पस से लिए गए, वो एजुकेशन लोन थे, कार लोन थे, हाउसिंग लोन थे या बिजनेस लोन थे, और उनका रिपेमेंट हिस्ट्री क्या रही, मतलब उनको हमने समय पर पे किया या नहीं पे किया, कहीं वो सूट फाइल्ड स्टेटस में तो नहीं है, एनपीए स्टेटस में तो नहीं है, राइट ऑफ स्टेटस में तो नहीं है। ये तीन कंडीशंस ऐसी हैं जो मैंने अभी बताई, सूट फाइल्ड, राइट ऑफ और एनपीए, जिनसे कि हमारा क्रेडिट स्कोर खराब होता है, हमारा सिबिल स्कोर, हमारा एक्सपीरियंस स्कोर या क्रिप स्कोर खराब होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी लोन हम लें उसको हम समय पर पे करें, जिससे हमारा सिबिल स्कोर, हमारा क्रेडिट स्कोर तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, जिससे बैंक्स को जब हम किसी और नए लोन के लिए अप्रोच करें तो आसानी से हमारी एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको स्वीकार कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये सारी वेबसाइट्स का लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहां पर आपको सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। आप इन वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट कीजिए और पता कीजिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। यहां पर इस वीडियो में हम केवल इतनी बात करेंगे कि एप्लीकेशन करने के क्या क्या तरीके हैं, हम किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जो सबसे पुराना तरीका है,
वो है हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाएं जिससे हम लोन लेना चाहते हैं और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लें और उसे भरें और फिर आगे बढ़ें। दूसरा तरीका है कि हम बैंक की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, डाउनलोड करके प्रिंट करें और उसे भर के फिर हम बैंक में जमा करें। तीसरा तरीका है जो अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, वो है डायरेक्टली हम किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन अपनी, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज हमें ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे जो जो वो बैंक की वेबसाइट मांगेगी, और फिर वो लोन हमारा ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर हमें उस पर्टिकुलर बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा या वो बैंक हमें खुद संपर्क करेगी और फिर हम अपने लोन की एप्लीकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और रेवोल्यूशनरी तरीके की, एक क्रांतिकारी तरीके की, जो बहुत रिसेंटली 2018 में ही लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रावधान से, वो है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप 5 करोड़ तक के बिजनेस लोन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपके जो बेसिक चेक्स हैं वो सारे खुद करती है और आपको आपकी एलिजिबिलिटी भी बता देती है, आपकी आपको ये भी बता देगी कि आपको कितना लोन किसी बैंक से मिल सकता है और आप एक साथ कई सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यह आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स को खुद आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट से फेच करती है, आपके जीएसटी रिटर्न्स को आपके जीएसटी वेबसाइट से फेच करती है और आपके बैंक स्टेटमेंट आपने पीडीएफ फॉर्म में इसमें अपलोड करना होता है। इसके अलावा यह आपकी बिजनेस की बेसिक जानकारी आपको इसमें डालनी होगी, आपको अपनी जो केवाईसी के की जानकारी है वो इसमें डालनी होगी जिससे कि आपको आपके लोन की एलिजिबिलिटी बता देगी। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये पोर्टल अभी केवल उनके लिए है जो बिजनेस अपना पहले से कर रहे हैं, मतलब ये उनके लिए है जिनके इनकम टैक्स के रिटर्न्स ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, जो जीएसटी रिटर्न्स भर रहे हैं और जिनकी कम से कम 6 महीने की बैंकिंग हिस्ट्री है, जिनका कम से कम 6 महीने का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट अवेलेबल है। अगर 6 महीने का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है या जीएसटी के रिटर्न्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन फाइल नहीं किए गए हैं या इनकम टैक्स के रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल नहीं किए गए हैं, तो वो लोग इस वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। इसका डिटेल्ड जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स की वेबसाइट कैसे काम करती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है अप्लाई करने का, वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब जिस भी बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका की लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और मैं नीचे इस वीडियो के सेक्शन में भी डालूंगा। इसके बाद मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी लिंक दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लिंक भी दिया हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर वहां पर ये लिंक ढूंढ सकते हैं। हर बैंक की वेबसाइट पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, बिजनेस लोन्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद में आपको बैंक खुद संपर्क करेगा या आप उस बैंक को संपर्क कर सकते हैं और आप उसको अपनी एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं या ऑनलाइन दिखा सकते हैं और बैंक आपको आगे की प्रक्रिया उसमें बताएगा कि आपको उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे मूव करने के लिए और क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन की एप्लीकेशन फॉर्म को एक्चुअली भरना कैसे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है और उसको हमें कैसे फिल करना है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमको मिलेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन सा प्रोफेशनल या कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग योर बिजनेस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।